अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे कीमे भरे करेले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो वेज और नॉनवेज का एक ये बहुत ही डिलीशियस कॉम्बिनेशन होता है कीमा भरे करेले। और इस रेसिपी को आप मेरे मेथड से जब बनाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये करेले की रेसिपी है। ये इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रह जाती अगर आप मेरे बताए तरीके से बनाएंगे। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस रेसिपी की जो मेन तीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं, जिसमें कि 300 ग्राम हमने करेला लिया है और 300 ग्राम हमने कीमा लिया है और 400 ग्राम प्याज लिया है। और यहाँ पे हमने अपने करेले को छील लिया है और छील के बीच में से एक साइड से चीरा लगाया है और बीज को बाहर करके रख लिया है। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे और नमक डाल देंगे और नमक डाल के अच्छे से इसको मलेंगे और 25 से 30 मिनट रखेंगे। यहाँ पे जो बीज को निकाल के फेंक दिया है और बीच में से एक साइड से चीरा लगाया था, वो प्रोसीजर काफ़ी सिंपल और आसान है, मैंने आपको दिखाया नहीं। तो इस तरह देखिए इसमें चीरा लगाया है और सब अंदर अंदर तक अच्छी तरह से नमक मलेंगे और अच्छी तरह से 20 से 25 मिनट रखेंगे तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। नमक अच्छे से लगा दें, घबराए नहीं कि नमक ज़्यादा हो रहा है। बाद में इसे दो तीन पानी हम अच्छे से वॉश करेंगे तो सारे नमक को निकल जाना है। और अब इसे एक साइड रख देते हैं और आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें और क्या चाहिए। और अब यहाँ पे जो कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे अपनी प्याज को हमने काट लिया है, छोटे साइज़ में काटा है, स्लाइस नहीं काटना है, आमलेट कट काटना है पर थोड़ा मोटा मोटा सा। और यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने स्लाइस कट कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं बारीक सा काट लिया है। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच गरम मसाला है और यहाँ पे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/3 नमक हमने लिया है। थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 2 टुकड़ा छोटे छोटे सिनेमन स्टिक का है, 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3 लौंग है, 7-8 काली मिर्चों का है दाने हैं और थोड़ी सी जावित्री है और 1 टीस्पून जीरा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, अभी हमको बहुत कम ऑयल लेना है यहाँ पर। और उसमें हम सभी खड़े मसाले डाल देंगे जीरा छोड़ के, उसके बाद जीरा भी डाल देंगे 5 सेकंड बाद, उसके बाद 5 सेकंड बाद हम प्याज डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सोटे होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने मोटा कीमा हाथ का कुटा हुआ लिया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मशीन वगैरह नहीं चल रही है तो एक मजबूरी थी, लेकिन आप मशीन का बारीक कीमा लें उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, बन तो इसमें भी जाएगा, इसलिए हमने कुकर का भी यूज़ किया। आप खुले पॉट में भी इसे बना सकते हैं ये सारे सेम प्रोसीजर करके। अब देखें यहाँ पे हमारी प्याज थोड़ी सी सोटे हो गई तो हम कीमा डाल के इसे 2 मिनट भून लेंगे जब तक कि हमारे कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और पाउडर मसालों में जो कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और नमक है वो डाल देंगे, डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मोटा कीमा है तो करीब 10 मिनट हमें सीटी लगाना है तो हम इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में इसे फिर वापस खुश्क करना पड़ेगा। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके एक सीटी हाई फ्लेम पर आने के बाद इसे 8 से 10 मिनट हम लो हीट पर पका लेंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुकर हमने खोल लिया है, अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। कीमा भी हम चेक कर लेते हैं, हमारा कीमा थोड़ा मोटा है, गल गया कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो कीमा गल चुका है तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो करेला है वो 20 से 25 मिनट हो चुका है और करेले ने कितना पानी छोड़ दिया है, इसी के साथ सारी कड़वाहट इसमें निकल जाती है। अब इस पानी में सबसे पहले हम इसे निचोड़ के एक साइड से रखते हैं, उसके बाद साफ़ पानी से 2-3 बार पानी से इसे अच्छी तरह धो देंगे ताकि जो इसमें हमने एक्स्ट्रा नमक लगाया था वो सारे नमक निकल जाए, नहीं तो इसमें नमक रह जाने का डर होता है। तो पहले इस तरह से निचोड़ लेते हैं, बाद में 2-3 पानी भी धो लेते हैं, ज़रूर धोएं। तो यहाँ पे देखें अच्छे से ऑयल अलग होने तक हमने इसे भून लिया है, बहुत कम ऑयल डाला हमने, फिर भी देखिए जो भी है ये अच्छा सा भुना सा कीमे को कर लेना है। और अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, करेला है इसलिए इसमें प्याज हम ऊपर से डालेंगे तो इसकी जो स्वीटनेस होती है इससे हमारा करेला, इससे भी इसकी कड़वाहट बहुत डाउन हो जाती है। अभी इस प्याज को डाल के हम इसमें करीब 5 से 6 मिनट मीडियम हीट पे भून लेंगे और साथ में ये हरी मिर्च भी और ये गरम मसाला, ये सब डाल के हम करीब 5 से 6 मिनट मीडियम हीट पे भून लेंगे कि प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखिए हमने प्याज को करीब 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है, ऑयल देखिए चम्मच में ऑयल चमक रहा है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, अच्छे से हमने इसे भून लिया है। बस इसे हम पलट लेते हैं प्लेट में एक पॉट में ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे एक डिश में हम इसमें पलट लेते हैं और इसे फैन के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। आगे के प्रोसीजर में हमने दोबारा से कुकर को साफ़ करके इसमें 40 से 50 ml ऑयल को अब लेना है
और इसे मीडियम हीट पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से हीट हो जाए, जब तक हम अपने करेले वगैरह को भर के स्टफ़ करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई तो हम भरना शुरू करते हैं। करेले को भी हमने दो तीन पानी अच्छे से वॉश कर लिया था, नमक पानी इसमें काफ़ी रहता है तो उसको धोना बहुत ज़रूरी है। हमने दिखाया नहीं, हर सीन दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से भरेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इसका पेट ऐसे खोल के और अच्छी तरह से इसे भरेंगे, कम नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे देखें किस तरह से मुँह खुला हुआ है, अच्छी तरह से मैंने दबा दबा कीमा भर लिया है। अब एक थ्रेड लेके अब इसको हम बांधना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें देखिए इस तरह से धागा लेंगे और अच्छी तरह से टाइट टाइट सा रोल करेंगे, अच्छे से हाथ से दबा के इस तरह अच्छी तरह से रोल करेंगे ताकि ये बाद में पकने पे ये खुलना नहीं चाहिए। इस तरह से ज़्यादा भरेंगे लपेटेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से अच्छी तरह से लपेट लपेट के इसे रख लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे सभी करेले को भरने के बाद थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम भरे हुए सभी करेले डाल देंगे और डाल के 5 से 6 मिनट थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे करेले का जो ऊपरी कवर है ये थोड़ा सा चारों तरफ से हल्का सा फ्राई करना है हमको, तो मीडियम हीट पर 5 से 6 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने देखे 5 से 6 मिनट मीडियम हीट पे अपने करेले को अच्छे से फ्राई कर लिया, देखें कितने अच्छे से तेल अलग हो रहा है। अब ये जो बची हुई स्टफिंग है वो हम डाल देंगे इसमें और इस करेले के ऊपर अच्छे से इसे फैला देंगे। और अब इसके ऊपर हम दही डाल देंगे, जो हम आपको दिखाना भूल गए थे, करीब 50 से 60 ml हम इसके ऊपर दही फैला देंगे और इसी दही के पानी में हम सीटी लगाएंगे 5 मिनट। अब यहाँ पे स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करेले को हम हटा हटा के दूर कर देंगे, गैप कर देंगे। अब यहाँ पे एक सीन थोड़ी सी रह गई यहाँ पे दिखाने के लिए, हमने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया था खटास के लिए, वो हम आपको दिखाना भूल गए। तो यहाँ पे अब हम कुकर को कवर कर देंगे और हीट को मीडियम रखेंगे, हाई हीट नहीं रखेंगे क्योंकि जल जाने का डर है, क्योंकि सिर्फ दही के पानी में ही हमें पकाना है। मीडियम हीट पे एक सीटी जैसे आएगी कम कर दें बिल्कुल लो, अब 5 मिनट उसके बाद लो हीट पर। तो यहाँ पे लो हीट पे 5 मिनट पकाने के बाद देखें हमने कुकर खोल लिया है, अब इसमें हल्का सा थोड़ा पानी रह गया होगा 1 टेबल स्पून, तो बस इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि अब हमारा करेला नरम हो चुका है, और लो हीट पे रख देंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर जो भी थोड़ा बहुत रह रहा है वो सूख जाए। तो देखें यहाँ पे हम इसे भून लेते हैं थोड़ा सा हल्के आँच पर। तो यहाँ पे देखें जो थोड़ा बहुत ऑयल है, काफ़ी कम ऑयल में ये बना है, फिर भी वो देखिए अलग हो रहा है, कितना अच्छा सा ऑयल अलग हो रहा है। बस ये रेडी है, हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट हमारी भरवा कीमा करेले की रेसिपी बन के तैयार है। इसे मैंने कुकर में बनाया है तो ये बहुत जल्दी बन गई है। अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहें तो इसे खुले पॉट में ही बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें, इस बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस कड़वाहट फ्री कीमे भरे करेले की रेसिपी को, और फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वन टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।